आज के दौर पर सोशल मीडिया की ताकत बहुत ज्यादा हो गई है। दरअसल उत्तराखंड के अल्मोड़ा के रहने वाले प्रदीप मेहरा का वीडियो ऐसा वायरल हुआ कि वो हर कहीं पर चर्चा का विषय बने हुए हैं। मां की बीमारी और परिवार के लिए रोजी रोटी की जरूरतों ने 19 साल के प्रदीप को अपना घर छोड़कर नोएडा आने के लिए मजबूर कर दिया। वो कुछ समय पहले ही अल्मोड़ा से नोएडा आए थे। वहीं उनके भाई 21 साल के पंकज मेहरा पिछले एक साल में नोएडा में प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। प्रदीप की मां बीना देवी को दिल्ली के नागलोई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये टीबी और आंतों की बीमारी से ग्रस्त है। मां के साथ प्रदीप की बहन भी रहती है। प्रदीप मेहरा बताते हैं कि पहले तो उनके बड़े भाई पंकज परिवार संभालते थे, लेकिन अब मां बीमार पड़ी तो उन्हें भी काम शुरू करना पड़ा। इससे पहले वे अल्मोड़ा में खेतों में काम करते थे। पंकज की इनकम से परिवार का भरण पोषण संभव नहीं था। नोएडा के सेक्टर 38 में मैटी आउटलेट में काम करने वाले पंकज मेहरा ने बताया कि मैं परिवार में अकेला कमाने वाला व्यक्ति था। मैं सरकारी अस्पताल में खर्चे तो संभाल लेता, लेकिन मां का बाद में निजी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। मेहरा बताते हैं कि डेढ़ महीने में अस्पताल का बिल 3 से 4 लाख रुपए हो गया। वाकई इस वीडियो ने साबित किया कि अगर अच्छे कार्यों के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाए तो इससे लाखों का लोगों का भला हो सकता है।